बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का ऐलान हुआ है। खजानदास अनिल गोयल को बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष, कैलाश शर्मा, पुष्कर सिंह धामी बने प्रदेश उपाध्यक्ष, राजकुमारी गिरी, कुसुम कंडवाल को बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष, देवेंद्र भसीन, खिलेंद्र चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, अजय कुमार प्रदेश महामंत्री संगठन बनाए गए, राजेंद्र भंडारी, कुलदीप कुमार बनाए गए प्रदेश महामंत्री, पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कुंदन लटवाल की अगर बात करें तो फिर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। रितु खंडूरी को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राकेश राणा को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। राकेश गिरी को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल चौहान को किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। राकेश राणा को अनुसूचित जनजाति मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। राकेश गिरी को ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल चौहान को किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी कार्यकारिणी में 6 प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिसमें सुरेश जोशी, विनय रोहिल्ला प्रवक्ता बनाए गए हैं, विनय गोयल, नवीन ठाकुर को भी प्रवक्ता बनाया गया है, प्रकाश रावत और विनोद सुयाल को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर, नई टीम को लेकर चर्चाएं हो रही थी और उस नई टीम का ऐलान आखिरकार हो गया। पंकज पवार, ब्यूरो चीफ हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज, जिस टीम का ऐलान कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बनाए गए और उसके बाद कार्यकारिणी और उनकी नई टीम का चेहरा और स्वरूप कैसा होगा आज सबके सामने आ गया, इसे किस तरीके से देखा जाए, कैसा बैलेंस है इसमें? काफी बैलेंस बनाई गई है और ये R9 टीवी ने ही सबसे पहले बताया था कि 26 तारीख से पहले ही प्रदेश कार्यकारिणी बंशीधर भगत की वो घोषित कर दी जाएगी और वो आज घोषित कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ज्यादातर पिछली कार्यकारिणी में जो तमाम लोग थे, चाहे उसमें खजानदास हो, चाहे अनिल गोयल हो, जिनको जो महामंत्री थे उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और कुलदीप कुमार जो प्रदेश संगठन में महामंत्री की मंत्री की जिम्मेदारी देख रहे थे, उनको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। कई नए प्रवक्ता जो बनाए गए हैं उसमें नए चेहरे हैं और ज्यादातर नए चेहरों को ही मौका दिया गया है। और कुंदन सिंह लटवाल को प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चे की फिर से जिम्मेदारी दी गई है, यानी कई जो दावेदार थे युवा मोर्चा के उनको अब निराशा हाथ लगी है और कुंदन लटवाल को मौका दिया गया है। रितु खंडूरी जो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी हैं, वो विधायक होने के साथ साथ अब महिला मोर्चे की अध्यक्षा भी बनेंगी, तो ये डबल उनको चार्ज दिया गया है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका मंत्री में भी नाम चल रहा था, यानी अब वो मंत्री के को लेकर उनका नाम नहीं वो कंसिडर किया जाएगा, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है संगठन में। तो कुल मिलाकर बड़ी अगर कहा जाए तो 28 तो मेन प्रदेश पदाधिकारी हैं, उसके अलावा 6 प्रदेश मोर्चा के जो तमाम संगठन के लोग हैं उनको मौका दिया गया है। तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं को की बात थी कि जो जिनको शामिल किया जाना था उनमें से इन तमाम लोगों को चुना गया है और काफी बैलेंस बंशीधर भगत की इस कार्यकारिणी में दिखाई देता है। ज्यादातर देहरादून, टिहरी और इसके साथ साथ कई जिलों के, चाहे चमोली के जिले हों, उत्तरकाशी के जिले हों और टिहरी के जिले हों, या फिर कुमाऊं के बागेश्वर, चंपावत, इनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया गया है। रुड़की, हरिद्वार के उनको भी मौका दिया गया है। तो यानी काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश इस कार्यकारिणी में बंशीधर भगत ने की है। जी चलिए, शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए।